वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो जैसा आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है घर से ना निकले, घर में रहें और क्लासेस लेते रहें। क्योंकि घर में आप बैठे हो, कोई काम नहीं बचता है, तो आप क्लास तो लेनी ही लेनी है और क्लास लेते रहो। और अगर नहीं समझ में आता है, एक बार और देख लो क्लास को, और पुराने नोट्स जो होते हैं वो रिवाइज करते रहो, और अपने हाथों को डेली साबुन से जरूर धोते रहें, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ओम का नियम पढ़ लिया, ओम के नियम का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया। और अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया है तो पहले वीडियो पॉज करो और कॉपी का नोट्स रिवाइज करो, फिर हम आगे की क्लास करेंगे। इसलिए क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है, अगर आप पिछले क्लास का नहीं पढ़ते हो तो भूल जाते हो। जैसे अभी 6-7 क्लास हो चुकी है, तो 6-7 क्लास बाद में आपको विद्युत धारा के बारे में पूछूंगा तो आप परिभाषा नहीं याद होगी। वो रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है, पीछे का भूलना नहीं है, छुट्टियों का इतना यूटिलाइज करना है कि जो कम से कम पढ़ाया जा रहा है उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हो, उस चीज पे ध्यान दो। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा में हम पढ़ रहे थे ओम का नियम। ओम के नियम में हमने कर रहा था प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? प्रतिरोध के बारे में। तो कल हमने प्रतिरोध की काफी कुछ जानकारी ली कि प्रतिरोध होता क्या है, किस तरीके से ये निर्भर करता है, किस तरीके से ये वेरी करता। चलो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं प्रतिरोध को। प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं आर से, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कल हमने दो तार लिए थे, दो तार लेकर के पहले तार के लिए हमने बोला था कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होगा। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा, यानी लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, लंबाई अगर कम होगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि R जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध अगर आपको बढ़ाना है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा। पतले वायर का प्रतिरोध मोटे तार की तुलना में ज्यादा होता है। पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए दोनों को कंबाइनली हम लिख सकते हैं R समानुपाती होगा L बटा A के। कल लिखा था यही बात कि R समानुपाती होगा L बटा A के, और हमने यहाँ पे लिखा था R बराबर, अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो भौतिकी में क्या होता है कि कोई ना कोई एक नियतांक लगाना जरूरी होता है। नियतांक क्यों लगाते हैं, इधर ध्यान दो। हमने लिखा कि R समानुपाती L बटा A होता है। आपको पता चला कि किसी भी तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कितना ओम है? 4 ओम है। और L बटा A जो है लंबाई बटा क्षेत्रफल, इस लंबाई बटा क्षेत्रफल का मान आ रहा है 2। क्लियर है? इनका मान आ रहा है 2, इसका मान है 4। तो इसको किसी भी संख्या से मुझे गुणा करना पड़ेगा जो संख्या क्या करेगी, 4 के बराबर बनाएगी। पहली बात तो ये। और 4 के बराबर कौन सी संख्या बना रही होगी, 2। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। इसलिए जब भी मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तो मुझे 2 लगाना जरूरी है। क्लियर है या नहीं है? अब इस 2 तो लगाना जरूरी है, ये तो बात आ गई कि आपने संख्या को बराबर कर दिया। अब देखो इधर, यहां पर क्या है, इसका मात्रक है ओम। मात्रक क्या है? ओम। और इधर इसका मात्रक देखोगे तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है। तो मीटर बटा मीटर स्क्वायर क्या बचा, 1 बटा मीटर बचा। 1 बटा मीटर बचा तो जो भी संख्या या जो भी राशि में यहाँ पे उपयोग में लेने वाला हूं उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा जो कि उसको क्या बनाएगा, ओम बनाएगा। इसलिए यहाँ पर जब भी आप चिन्ह लगाते हो तो कोई ना कोई राशि या संख्या या फिर भौतिकी में आपको बोलते हो राशि, वो यूज करनी पड़ेगी। उस भौतिक राशि को बोलते हैं हम समानुपातिक नियतांक। क्या बोलते हैं? समानुपातिक नियतांक। वो नियत भी रह सकता है, वो वेरी भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो हमने कल एक समानुपातिक नियतांक लिया था जिसको हम बोल रहे हैं रो गुणा एल बटा ए।
कई किताबों में इस रोग को लिखा जाता है के से, कई लिखा जाता है पी से। ध्यान रखना इसका मान नाम होता है रोग। स्टैंडर्ड बुक में जब आप 11वीं क्लास छोड़कर के 12वीं क्लास में पहुंचोगे तो वहां पर भी आपको फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में इसकी पढ़ने को मिलेगा कि रोग क्या होता है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रो क्या होता है? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या फिर आप बोलते हो स्पेसिफिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, रो जो होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी किस समता के साथ में ये प्रतिरोध लगा रहा है, कोई भी तार किस समता के साथ में, कितनी पावर के साथ में प्रतिरोध अप्लाई करेगा, लगाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये अपने आप में क्या है? विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। कैसे होता है अभी हम करने वाले हैं, किस तरीके से विशिष्ट होता है। तो ये कल की क्लास थी अपनी, आज की क्लास शुरू करते हैं। आगे चलो आगे बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता की। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसको किससे दर्शाते हैं? रो से। किससे दर्शाते हैं? रो से। आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो पी लिखा आपने, पी नहीं होता, ये इस तरीके से बन के इस तरीके से बन जाता है। मतलब जब आप पी लिखते हो तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, रो लिखते हो तो यहाँ से आप चालू करो और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। मतलब इसकी कमर जो है वो टेढ़ी हो गई है, पी की कमर को टेढ़ी कर दोगे तो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। तो ये होता है रो, जिसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, और ओम उसको प्रतिरोधक से हम जानते हैं, सब जानते हैं। तो क्या जानते हो? कि जो आर होता है वो रो एल बट्टा ए होता है, रो एल बट्टा ए होता है। तो यहां पर जो रो है वो क्या हो जाएगा? आर गुणा ए बट्टा एल हो जाएगा। रो का मान क्या हो जाएगा? आर गुणा ए बट्टा एल हो जाएगा। अगर आप यदि ए बराबर एक मीटर स्क्वायर लेते हो तथा एल बराबर एक मीटर लेते हो, ए बराबर एक मीटर स्क्वायर, एल बराबर एक मीटर लेते हो, तो दोनों की सहायता से अगर यह मान रखते हो तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर मिल जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा? आर। प्रतिरोधकता का मान प्रतिरोध के बराबर आ जाएगा। प्रतिरोधकता का मान किसके बराबर आ जाएगा? प्रतिरोध के बराबर आ जाएगा। इसीलिए ये क्या है? एक विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब कैसे है कि यदि तार की लंबाई एक मीटर है, किसी तार की लंबाई एक मीटर है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर है, एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और एक मीटर लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। उसी को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए किसी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, किसी एक मीटर लंबाई तथा एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध, के तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध
अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किसका कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी तार का 1 मीटर लंबाई है और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा प्रतिरोध कहलाएगा, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता कहलाएगा। इसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाया जाता है? रो से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक रो का मात्रक क्या हो जाएगा? या फिर आप यहां पे ये लिख सकते हो, रो का मात्रक निकालना है। इधर देखो, रो बराबर क्या होता है? आर ए बट्टा एल। आर ए बट्टा एल, आर क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्लियर है? ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी चीज का होता है, जैसे आयत का निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का करोगे तो भुजा स्क्वायर, यानी लंबाई कितनी बार आ रही है? 2 बार। अगर लंबाई 2 बार आ रही है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर गुणा मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। और लंबाई L, नीचे L है जो कि क्या है? लंबाई यानी दूरी को दिखा रही है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो रो बराबर क्या बच गया? ओम मीटर। ओम मीटर यानी इसी को आप लिख सकते हो ओम मीटर। क्लियर है? ओम मीटर होता है किसका मात्रक? रो का मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या मिल गया आपको? ओम मीटर मिल गया। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? 1 मीटर लंबाई का तार है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इन बातों को एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलो, अब देखो, आपने परिभाषा लिख ली, मात्रक लिख लिया, अब रो किस किस के ऊपर निर्भर करेगा, रो किसके परिवर्तन होने से परिवर्तित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो देखते हैं। तो इधर देखिए, आपने पढ़ा है रो बराबर आर ए बट्टा एल। रो बराबर क्या पढ़ा है? आर ए बट्टा एल पढ़ा है, यानी प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ये था हमारा प्रतिरोध के बारे में। अगर आप 1 मीटर का तार लेते हो, उसका प्रतिरोध मान लेता हूं आर है, इसकी अगर लंबाई बढ़ाओगे आप तो लंबाई बढ़ा करके 2 मीटर कर दी। अगर आप 2 मीटर लंबाई कर दी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, तो अब प्रतिरोध कितना बचेगा? 2R के बराबर बचेगा। जो पहले R था वो प्रतिरोध क्या हो गया? बदल गया। अगर इसकी लंबाई बदली तो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे प्रतिरोध में परिवर्तन में पहले से ही कर रहा हूं। अगर प्रतिरोध में आप परिवर्तन ले रहे हो तो लंबाई में जो आपने परिवर्तन किया वो आपको नगण्य मानना पड़ेगा, मतलब कंसिडर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसको आपने पहले जोड़ लिया है। यानी लंबाई में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध में परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। अगर ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब लंबाई के कारण जो परिवर्तन हुआ वो आपने प्रतिरोध में कंसीडर कर लिया है, इसलिए वो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लंबाई और क्षेत्रफल के ऊपर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। वो किस पर निर्भर कर रही होगी? किस पर निर्भर कर रही होगी? प्रतिरोध के ऊपर निर्भर कर रही होगी। इसीलिए इसका नाम होता है विशिष्ट। ये एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है
जो कि पहले बताया था 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर प्रस्थ काट के क्षेत्रफल का होता है। क्लियर है? चलिए, ये बातें थी किसके बारे में? विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। किसी 2 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध दस ओम है तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 11 मीटर क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। किसी 2 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का प्रतिरोध 10 ओम है तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता सॉरी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें, वीडियो पॉज करें और उसके बाद करने की कोशिश करें कि जो अभी सूत्र बताया था उस सूत्र में मैं क्या लगा सकता हूं और किस तरीके से इसको कर सकता हूं, फिर बाद में सॉल्यूशन आप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही बोला है, सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या आपके पास दिया है और क्या क्या आपको निकालना है। उसके बाद देखो कि कई ऐसी चीजें तो नहीं है जो पहले से ही हमें पता हो और यहाँ पर नहीं दी। अगर वो चीजें हैं तो वो आपको दिमाग में होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे पुट करोगे और आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ आपको, गिवन डाटा क्या है, लंबाई L बराबर दे दिया 2 मीटर, क्षेत्रफल का मान A बराबर 1 मीटर स्क्वायर दे दिया, प्रतिरोध का मान R बराबर 10 ओम दिया हुआ है और आपको पूछा है कि रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था और एक कंसेप्ट पढ़ा है प्रतिरोधकता का, जिसमें क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान कैसे निकालेंगे, रो बराबर आर ए बटा एल, ये अभी हमने निकाला R A बट्टा L और R का मान आपको दे रखा है 10 ओम, A है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई का मान आपके पास 2 मीटर पड़ा है तो रो बराबर कितना आ जाएगा, रो बराबर 10/2 करोगे तो आपको मिलेगा 5, 10/2 करोगे तो क्या मिलेगा 5। लेकिन यहीं पर आंसर खत्म नहीं हो जाता है, इसका मात्रक अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए मात्रक बहुत जरूरी है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहां देखो R का होता है ओम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, यानी ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर, मीटर से मीटर को काट दो बच गया ओम गुणा मीटर, तो सीधा सीधा आपको याद है तो ओम मीटर लिख दो, नहीं याद है तो ओम मीटर निकाल के हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपको पता चल सके। चलिए आगे की क्लास में विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होगा, सुचालक क्या होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे और चालकता की भी बात आएगी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप
अपनी क्लासों को देखते रहें, नोट्स को रिवाइज करते रहें और जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। थैंक यू वेरी मच।